फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर एक और जहां एनडीए में बात नहीं बनी तो वहीं महागठबंधन में भी अब यह तय हो गया है कि आरजेडी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी लेफ्ट के साथ, तो वहीं कांग्रेस भी 24 सीटों पर एनडीए और आरजेडी के खिलाफ अपने कैंडिडेट को उतारेगी। दरअसल जब से ये कहा गया कि बिहार में इन 24 सीटों को लेकर, जब तेजस्वी यादव ने ये साफ किया कि हम 23 सीटों पर तो आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, वहीं एक सीट लेफ्ट के हिस्से में जाएगी, उसके बाद कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी पटना पहुंचे और उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि 24 सीटों पर अब कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। आज मैं पटना पहुंचा हूं और प्रदेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी, CLP लीडर हमारे अजीत शर्मा जी और तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स के साथ विचार विमर्श सदाकत आश्रम में 2:30 बजे से हम शुरू करेंगे। 24 सीट विधान परिषद की वैकेंट हैं और उन तमाम सीटों के ऊपर किस प्रकार से राजनीतिक फैसले या कैंडिडेट्स के बारे में क्या चर्चा की जानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हम आज करेंगे और कल उस सूची को जारी करेंगे। ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट आएगी उस 2400 सीट पे, उस रिपोर्ट को हम अपनी सीनियर लीडरशिप पार्टी आला कमान के सामने प्रस्तुत करेंगे और जो पार्टी आला कमान के निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। बिहार में महागठबंधन फिनिश माना जाए? देखिए, ये गठबंधन के इश्यूज पे फैसला पार्टी हाईकमान करती है और सेंट्रल लेवल पे हमारा गठबंधन जारी है। बिहार के ऊपर गठबंधन की क्या परिस्थिति बनेगी इस पर पार्टी हाईकमान से चर्चा चल रही है। ऑब्जर्वर के रिपोर्ट के बाद ही आपको? निश्चित रूप से, पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्तावित करती है और पार्टी हाईकमान हमेशा फैसला करता है। इसके पहले छपरा में जब तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम के दौरान वहां गए थे तो वहीं उन्होंने, तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया था कि 23 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार को उतारने वाली है, जबकि एक सीट जो है वह लेफ्ट के खाते में दी गई है। लेफ्ट के कैंडिडेट बांका से चुनाव लड़ने वाले हैं। MLC का चुनाव है, जनप्रतिनिधि इसमें वोट डालेंगे और इस बार हम लोगों के पार्टी में लगातार कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर जो है वो चुनाव लड़े, तो जो कार्यकर्ताओं की जो मांग रही है, जो लोगों की मांग रही है, इस पर हम लोग खड़े उतरे और इस बार हम लोग लेफ्ट के सहयोग से हम लोग चुनाव में हैं और लगभग 24 में से 23 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, एक पे लेफ्ट के लड़ रहे हैं और हम लोग इस बार मजबूती के साथ जीते। बिहार में एनडीए का भविष्य कैसा देख रहे हैं? बिहार में एनडीए का भविष्य क्या देख रहे हैं? युवाओं का भविष्य कैसा है? एनडीए का युवाओं का भविष्य कैसा है? तो आने वाला कल युवाओं का है। जो युवाओं के साथ नाइंसाफी की गई है, बेरोजगारी हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई है, ऐसे मौजूदा सरकार को लोग जो है चाहते नहीं हैं। और सरकार ने क्या किया अब तक? ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना विशेष पैकेज, ना नौकरी, ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना सिंचाई, ना कुछ भी नहीं। हर चीज जो है चौपट हो गया है, तो नौजवानों पे लाठी मारा जा रहा है और क्या। 24 सीटों की इस गुनागदित में गठबंधन की गांठ जरूर पड़ती दिख रही है। एक और जहां एनडीए में बड़ी मुश्किल यह है कि मुकेश साहनी, उन्होंने भी बागी तेवर दिखाए थे और उन्होंने भी कहा था कि वो अपने प्रत्याशी को विधान पार्षद के चुनाव में उतारने वाले हैं, तो वहीं उसके बाद आरजेडी के खिलाफ भी मुश्किल ये होगी कि उनके सामने उनके महागठबंधन के ही पार्टनर कांग्रेस के भी उम्मीदवार होंगे। इससे पहले भी बिहार में जब इन महागठबंधन के दलों ने विधानसभा के उपचुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ा था तो दोनों दलों को नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में देखना होगा कि इस विधान परिषद के होने वाले चुनाव के लिए कैसे ये दोनों दल रणनीति बनाते हैं और इस रणनीति को जीत तक भी पहुंचाते हैं।
आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे तक ऐप को डाउनलोड कर लें।